हरिओम। पूज्य बापू जी का पावन सत्संग जोधपुर 26 फरवरी 2023 विशेष सत्र। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडवों का वंश बना रहेगा तो उत्तरा के गर्भ में अपनी शक्ति का उपयोग करके दुरुपयोग किया, उस शिशु की हत्या कर दी, मर गया, मृतक बालक पैदा हुआ। उत्तरा भगवान कृष्ण की भक्त थी, विलाप करने लगी तो श्री कृष्ण आए। सारी परिस्थिति जान के श्री कृष्ण ने दोनों भुजाएं ऊपर उठाई, दिशाएं सुन ले, आकाश सारी सिद्ध सुन ले, मैंने शांति दूत से लेकर महाभारत के युद्ध तक पांडवों से कौरवों से जो व्यवहार किया, मेरे मन में मेरे चित्त में पांडवों के लिए राग न रहा हो तो, लो दिखता तो राग है नहीं, राग रहा नहीं है मेरे चित में, द्वेष न रहा हो तो, मेरे चित में समता बनी रही हो तो, उस समता की परीक्षार्थ देख लेना पाठ समिति वाले नेपाल के, जो कल आशा रामायण का रसपान किए थे चंगू मंगू। ये उत्तरा का गर्भस्थ मृतक शिशु, मेरी समता अगर दृढ़ हुई रही हो तो ये शिशु जीवित हो जाए। उस शिशु का शव जीवित हो गया तो नाम रखा परीक्षत, क्षमता की परीक्षा श्री कृष्ण की। बाहर से तो देखते हैं कि पांडवों का ही रथ चला रहे हैं, नरो वा कुंजरो वा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के चित्त में न राग है न द्वेष है। चित्त में समत्व योगम उच्यते, समत्व योग के धनी हैं श्री कृष्ण। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के इस चैनल में आपको मिलेगा गुरु भक्ति योग और पूज्य बापू जी के दिव्य सत्संगों संदेशों का सारांश एवं सत्संग के मुख्य बिंदुओं का अनमोल संग्रह सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आश्रम दर्पण चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम।